दोस्तों, अगर आप अपना बॉडी मास बढ़ाना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप 1 से 2 महीनों में ही आसानी से मसल गेन कर सकते हैं, और वो ट्रिक है 5S। नंबर 1, सेफ्टी। दोस्तों, मसल गेन करने के लिए आप जो एक्सरसाइज करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको आप सही पोस्चर में मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपको आने वाले कुछ सालों में ही इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि अगर हम 2-2 घंटे एक्सरसाइज रोज़ करेंगे और इससे हमारी मसल ग्रोथ होगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपको शुरुआत में मैक्सिमम 1/2 घंटे से 1 घंटे ही एक्सरसाइज करना है, और वीक में 5 डेज का वर्कआउट करके मिनिमम 2 डेज का रेस्ट लेना ही लेना है। तो दोस्तों, बी केयरफुल, इसीलिए सेफ्टी को 5S के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले रखा गया है। नंबर 2, सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होगा कि किसी ज़रूरी काम की वजह से एक्सरसाइज को आप पूरा लीव कर देंगे, उसको पूरा छोड़ देंगे, और ऐसे ही ये आपके हैबिट में आ जाएगी। तो ऐसे में एक्सरसाइज लीव करने की बजाय आप उस 1 घंटे की एक्सरसाइज को 10 से 15 मिनट भी कर लें, तो आप अपने एक्सरसाइज को सस्टेन कर जाएंगे, जिसका इफेक्ट आपको बॉडी में एक माइनर पॉइंट बट लॉन्ग टर्म के बेनिफिट में देखने को मिलेगा। तो अपने एक्सरसाइज को एंजॉय करिए, तभी आप अपने एक्सरसाइज को सस्टेन कर पाएंगे। नंबर 3, स्ट्रेचिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपने बॉडी को पूरा खोल दें, लेकिन आपको उससे पहले ये समझना होगा कि स्ट्रेचिंग भी 2 तरह की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आपको अपने बॉडी को एक पोस्चर में होल्ड करना होता है। नोट द पॉइंट, योगा एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग है जिसका मेन एम होता है आपके ऑक्सीजन लेवल को बूस्ट करना, और डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके ही अपने मसल को एक्टिव कर सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रेंथ। दोस्तों, आप जिस एक्सरसाइज को कर रहे हैं उसको परफॉर्म करिए, बट अगर आप एक बिगनर हैं और आपको ये नहीं पता है कि कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए बेस्ट है, तो आप पुशअप्स और स्क्वैट्स को परफॉर्म करिए, जिसे आप घर में बिना किसी इक्विपमेंट के भी कर सकते हैं। पुशअप आपके पूरे अपर बॉडी को ग्रोथ देगा, और स्क्वैट्स आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगा, जिससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे और किसी भी एक्सरसाइज को ज़्यादा रेपिटेशन में परफॉर्म करेंगे। लास्ट पॉइंट, नंबर 5, स्टार्वेशन, जिसे हम डेली डाइट्स भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया वो आपके लिए एकदम बेकार है। तो अपने डेली बेसिस के रूटीन में एक प्रॉपर डाइट लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने इस 5S के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में फॉलो किया, तो आप 1 से 2 महीने में ही अपनी बॉडी में वो चेंजेस देखेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब ये है आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं। तो अब मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ। अगर दोस्तों आपका एम बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने का नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है, आप बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक फिट बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एक्सटर्नल प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको प्रोटीन को अपने डाइट से ही फुलफिल करना होगा। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल प्रोटीन खाएंगे तो आपकी बॉडी को उसे एक प्रॉपर वे में डाइजेस्ट भी करना होगा, जो एक बॉडी बिल्डर ही कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये 5S का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।